स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम एसएसटी में लेसन 17 पढ़ेंगे। लेसन 17 है लाइवलीहुड, इसका मतलब होता है रोजी रोटी। ठीक है, हमारी इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत ही यूनिटी है हमारी इंडिया में, हम सब अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अवर कंट्री इंडिया हैज अ वंडरफुल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यानी विविधता है, हम सब एक होकर रहते हैं। हर एक फेस्टिवल हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इतने सारे कल्चर प्रांत के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यानी कि इंडिया के बारे में, एक यानी कि विलेज लाइफ है और सिटी लाइफ को कंपेयर किया है कि किस तरीके की लाइफ होती है, विलेज में किस तरह की लाइफ होती है और सिटी में किस तरह की लाइफ होती है, क्या स्ट्रगल होता है रोजी रोटी कमाने के लिए, हम क्या क्या करते हैं, किस तरीके से हम मनी अर्न करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। हमारे यहाँ यानी कि 5000 सिटीज है, 2700 स्मॉल और बिग टाउन्स है। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं क्योंकि पहले चैप्टर में भी हमने सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, पीपल कम टू द सिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट विद वेरियस ऑक्यूपेशंस। यानी कि गांव के लोग कई ऐसे होते हैं जब गांव में अच्छे से नहीं काम काज उनका चलता, रोजी रोटी का काम नहीं बनता, तो गांव के लोग काफ़ी ऐसे हैं जो शहरों में आते हैं क्योंकि शहरों में काम बहुत ज़्यादा होता है ना। तो शहरों में आके अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम ढूंढते हैं। टीचर है तो अपने हिसाब से स्कूल में जाएगा, जो जैसा जिसका यानी कि जिस हिसाब से जिसने स्टडी करी अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम ढूंढते हैं। और शहर ऐसी जगह है जहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाता है, छोटे से लेके बड़े तक कोई ना कोई काम तो मिल ही जाता है लोगों को। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अर्न इनकम फॉर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए हम रोजी रोटी कमाते हैं। इसलिए गांव से शहर में हम क्यों आते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, आगे शहरों में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अपने गाँव में वापस जाते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। ये किस लिए, क्योंकि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है हमें। अब बाई यानी कि अगर शहर जाते हैं तो हम किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि सर्विस है, बिजनेस कर सकते हैं और लेबर वर्क कर सकते हैं, यानी कि जो भी नीचे जात के जो लोग हैं, जैसे जैसे जिसका काम, हर फील्ड के हिसाब से हम काम सिलेक्ट करते हैं, उस तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है, सर्विस है, बिजनेस है और लेबर वर्क है, इस तरीके से हम मनी अर्न करते हैं। फिर विलेज लाइफ, हम विलेज लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ये एक छोटी सी स्टोरी है, बनासकांठा के आगे एक छोटा सा शहर है रणपुर। ठीक है, तो हियर पीपल आर एसोसिएटेड विथ फार्मिंग, कैटल रेयरिंग। यहाँ के लोग जो ज्यादातर यानी खेती बाड़ी में से रिलेटेड है, ज्यादातर खेती बाड़ी का काम करते हैं। वो एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हर एक चीज, वो गांव भी इस तरीके का है, एक छोटा सा शहर जैसे ही, जैसे शहरों में हर एक चीज मिल जाती है, उसी तरह वो भी एक छोटा सा गांव है जहाँ पे हर एक चीज है, यानी कि टेलर है, कारपेंटर है, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी खेती बाड़ी का काम भी बहुत अच्छा चलता है, और वेजिटेबल्स वगैरह, सब्जी वगैरह, हर एक चीज की वहाँ पे, वो गांव में हर एक चीज की दुकान है, किसी चीज की भी कमी नहीं है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको छोटे छोटे शॉप खोल के बैठ जाते हैं, यानी सब्जी का शॉप खोल दिया, फिर खाने पीने का स्टॉल लगा दिया, तो इस तरीके से उन लोगों का डेली अर्निंग होता है, डेली सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, गांव में। अब शहर में भी किस तरीके से होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, फिर फार्मिंग, कैटल रेयरिंग एंड लाइवलीहुड, ये भी एक और छोटी सी स्टोरी है कि किस तरीके से लोग फार्मिंग करते हैं, उससे भी और खुद का ही फार्म हाउस होता है, उससे अर्निंग कैसे करता है। पांडरवाड़ा स्मॉल विलेज का नाम है, जहाँ पे सरदार नाम का इंसान रहता था जिसका खुद का फार्म हाउस था और खुद ही फार्मिंग करता था। ही इज द ऑनर ऑफ हिज फार्म हाउस, खुद ही फार्मिंग करता था, हिमसेल्फ डूइंग फार्मिंग। फिर क्या करता था, फार्मिंग करता था, मार्केट्स में से जाता था, सीड्स एंड फर्टिलाइजर वगैरह लेकर आता था, और वो बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग खुद ही करता था, खेती खुद ही करता था। फिर क्या करता था, डायरेक्ट मार्केट जाके डीलर से डील करता था, और वो जितना भी सब माल होता था, अनाज वगैरह होता था, वो उसको सेल करता था, और उससे जो इनकम आती थी तो 7-8 महीनों से बहुत अच्छे तरीके से उस इनकम को यूज करता था, और अच्छे से इजीली उसको हेल्प हो जाती थी। उसके अलावा उसके पास एक क्या थी, काऊ भी थी और बफेलो भी थी, वो बहुत दूध देती थी,
का भी व्यापार साथ ही साथ करता था, अनाज का भी करता था, दूध का भी व्यापार करता था, वो भी शहरों में जाता था दूध सेल करता था, जिससे भी उसकी अच्छी इनकम हुआ करती थी। इसके अलावा पास ही फिल्म सिटी थी, फिल्म सिटी में भी जाके वहाँ पे भी काम करता था और बहुत अच्छे तरीके से मनी अर्न करता था। तो ये इंसान के बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होता है, अपने अपने हिसाब से इनकम, अपने अपने हिसाब से इंसान जहाँ उसको लगता है कि यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से अर्न कर सकता हूँ तो उस फील्ड में जाता है और अर्न करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कनेक्शन ऑफ द विलेज विद सिटी। ठीक है, अब विलेज वालों का सिटी के साथ क्या कनेक्शन है ना, बहुत ही कनेक्शन है। जैसे कि काफ़ी लोग विलेज से शहर में आते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, काम धंधे के लिए। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी है। तो रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। ठीक है, अपना वाला रामनगर नहीं, ये दूसरा रामनगर है, एक छोटा सा गांव था जहाँ पे जगह भाई एक मर्चेंट था, यानी कि छोटी सी दुकान चलाया करता था। और उसकी दुकान पे यानी कि सारी फैसिलिटी की सारी चीज़ें थी, यानी कि करियाना से लेकर सब्जी से लेके दवाइयों से लेके हर एक चीज़ वो अपनी छोटी सी दुकान थी उस पर रखता था। तो क्या होता था, जो गांव वाले लोग आते थे तो वो गांव वाले तो फार्मिंग करते थे, उनके पास अनाज वगैरह बहुत होता था, चावल की खेती बहुत होती थी वहाँ पे। तो वो लोग आते थे तो क्या करते थे, चावल उसको बेचते थे और उसके बदले में जो भी उनको घर का सामान, जो भी छोटा मोटा सामान चाहिए होता था वो उसके बदले में लेते थे। तो गांव वालों से चावल वो एकदम सस्ते दाम में खरीदता था और वो ही चावल को यानी कि लो रेट में खरीदता था और हाई रेट में वो जाके मार्केट में शहर में जाके बेच देता था। तो इस तरीके से वो व्यापार किया करता था। और भी बहुत सारे तरीके हैं सोर्स ऑफ इनकम के। अब ये देखो कौन सा तरीका है, अलग अलग गांव की स्टोरी बताई कि पीपल किस तरीके से गांव में पैसे अर्न करते हैं, उसके बाद शहर में आके पैसे अर्न करते हैं। तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी है। ठीक है, सर चलता स्मॉल विलेज है, वो कहाँ पे है, सीसोर के आसपास एक छोटा सा विलेज बसा हुआ है। वहाँ पे रूढ़िया बहन और लक्ष्मी माँ दो लेडी है वहाँ पे रहती है। जो रूढ़ी बहन है उसका जो हस्बैंड है उसको घर के काम में बहुत हेल्प करता है, और जो दूसरी है लक्ष्मी माँ है वो ओल्ड लेडी है, उसका उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब ये दोनों लेडी है किस तरीके से अपने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए किस तरीके से पैसे अर्न करती है, क्योंकि इन लोगों के पास ना तो कोई रेंट फार्मिंग है, ना रिटेल वर्क है और ना अर्निंग मनी, यानी कि कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इन दोनों के पास। तो अब ये किस तरीके से पैसा कमाएगी, अब इनको पैसा तो कमाना होगा ना अपने लिए, अपने जीने के लिए, तो किस तरीके से ये पैसे अर्न करते हैं। तो इनके पास एक ही तरीका था, ये क्या करते थे, इनके पास एक छोटी सी बोट थी। ठीक है, बोट से वो अंदर शिशोर में जाया करते थे रोज और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के लेकर आते थे और उसको लाके फिर बाहर ये सेल करते थे। ठीक है, कैचिंग फीस 8 महीने तक ये यही काम किया करते थे। फिर जब मानसून की सीजन आ जाती थी तो बहुत ही मुश्किल हो जाती थी उन लोगों के लिए शिशोर में अंदर जाने के लिए, क्योंकि एकदम तूफान आ जाता था, बहुत नेचुरल कैलिमिटीज है तो बहुत आंधी तूफान आता था, तो ये डर की वजह से फिर ये जा नहीं सकते थे, क्योंकि ये अंदर जाए तो फिर इनकी बोट डूब जाए, तो उस वजह से रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो 8 महीने ही ये काम करते थे और बाकी के जो 8 महीने होते थे तो इनको बहुत दिक्कत होती थी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ करता था। तो जो 8 महीने होते थे तो ये उस टाइम पे जितना अर्न करते थे उसी से ये भी आगे का अपना टाइम निकाला करते थे। और फिर क्या होता था कि वहाँ पे थोड़े टाइम के बाद क्या होता था, जैसे कि ये सेल करते थे, फीस वगैरह सेल करते थे, और फिर बाद में क्या होते, जब बहुत ज़्यादा यानी कि आंधी तूफान और नेचुरल कैलिमिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था समुद्र में, तो ये अपना क्या किया करते थे, जैसे कि आप तो जानते हो कि कई टाइम ऐसा आता था कि नदी में जितना भी हमारे इंडस्ट्री का है कचरा पानी वगैरह, ये प्लास्टिक्स रैपर्स वगैरह सब नदी में जाके शिशोर में जाके जमा हो जाता था, और जो पॉल्यूशन वगैरह है नदी में सब इकट्ठा हो जाता था सारा पॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता था, कितनी सारी जो फिश जो नदी के अंदर शिशोर के अंदर हुआ करती थी वो भी मर जाती थी। तो एक टाइम ऐसा होता था कि फिश भी इतनी कम हो गई थी इतना पॉल्यूशन की वजह से, तो बिल्कुल भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ करता था। तो ऐसे टाइम पे इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था, जो गवर्नमेंट थी इनको हेल्प करती थी कि यानी कि क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम और तो कुछ इनकम होता नहीं था, तो शहरों में भी आएंगे तो फिर बेचारे क्या काम करेंगे, तो गवर्नमेंट को डिमांड करते थे कि हमको बोट चाहिए अर्निंग के लिए। एक ही बोट थी, वो भी हम इनकी टूट जाती थी ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से, नदी में जो शिशोर में जो तूफान वगैरह आता था उसकी वजह से वो भी स्पॉइल हो जाती थी, तो अभी क्या काम करेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट इनको हेल्प करती थी, नई बोट ला के देती थी और जो कुछ भी इनकी रिक्वायरमेंट होती थी इनकी डिमांड पूरी की जाती थी। ठीक है, तो अब ये तो हुआ इनकी स्टोरी, अब दूसरी है लाइफ इन द सिटी। सिटी में किस तरीके की लाइफ होती है, तो हम जानते हैं कि सिटी में लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत जल्दी आपको जॉब नहीं मिलती इन कंपैरिजन टू विलेज। विलेज में ठीक है भले कैसा भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन छोटी मोटी जॉब हर किसी को आराम से मिल जाती है, क्योंकि बहुत मेहनती लोग होते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, यानी उस तरीके के बहुत सोर्स ऑफ इनकम उनके पास होते हैं। पर शहरों में इतनी जल्दी मिलती तो है, काम बहुत होता है, लेकिन इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, तो लाइफ इन द सिटी, अब ये एक स्टोरी बताने को मैं आपको बातें बता दूँ। सिटी की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कंपेरिजन टू द विलेज। डिफिकल्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन द सिटी, इतनी जल्दी से आपको जॉब नहीं मिलता है, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है आपको जॉब ढूंढने के लिए। ठीक है, शॉप ऑफिस बिजनेस रोड साइड बिजनेस, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, ऑफिस हैं बिजनेस के लिए, रोड साइड लोग बिजनेस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी, रेखा है जो गांव में रहती थी, वो अपनी उसकी जो आंटी थी वो शहर में रहती थी, तो रेखा गांव से शहर में आई, उसने आके शहर में ये नोटिस किया कि यहाँ के लोग किस तरीके से व्यापार करते हैं, किस तरीके से पैसे कमाते हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो उसने बाहर खड़ी होकर ये सब चीज़ें नोटिस करी कि मैनी पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रोड साइड वर्क, यानी कि रोड पे लोग कितने सारा काम करते हैं, यानी छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। हर टाइप की दुकान आपको रोड पे मिलेगी, जैसे कि स्मॉल शॉप है यानी वेजिटेबल्स बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब है। फिर साइकिल रिपेयरिंग वाला, उसने देखा कि आराम से साइकिल रिपेयर कर रहा है, उसके कस्टमर आ रहे हैं रिपेयरिंग करके दे रहा है। फिर शू पॉलिश वाला, उसने देखा कि अरे वाह कितने अच्छे तरीके से शू पॉलिश हो रही है। फिर दूसरा क्लीनिंग व्हीकल, यानी व्हीकल साफ करके दे रहा है। और कई उसने ऐसे भी चीज नोटिस करी कि कई लोग जो दिन में काम करते हैं यानी कि व्हीकल रिपेयरिंग का काम करते हैं, अब वही लोग रात को ड्रम बजाने का भी काम करते हैं, रात को भी अपना यानी कि टैलेंट दिखाते हैं। तो यानी कि सुबह शाम काम करके भी पैसा सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि पैसा अर्न करते हैं। कितने सारे तरीके हैं शहर में पैसे कमाने के। फिर जो गाड़ी लेके भी टॉय सेल करते हैं, सब्जियाँ बेचते हैं, गाड़ी पे भी आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही थी कि शहर में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसकी वजह से जैसे कि रोड बिजनेस करते हैं उसकी वजह से कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी आ जाती है, वेरियस प्रॉब्लम ड्यू टू बिजनेस ऑफ रोड साइड पे जो भी बिजनेस करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़कम हो जाती है, भीड़ भड़ाका हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, है ना। अब ये भी एक छोटी सी स्टोरी है, रिटेल लाइवलीहुड। ये जयसिंह केम टू नवसारी फ्रॉम राजस्थान। जयसिंह नाम का एक व्यापारी है जो नवसारी से राजस्थान आया था, केम टू नवसारी फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, तो वो किसका व्यापार करता था, वो चॉकलेट बर्ग का व्यापार किया करता था, ही मेक चॉकलेट हियर, चॉकलेट का व्यापार करता था वो। सप्लाई इन टू द ट्रेडर्स, यानी जो चॉकलेट्स वो बनाया करता था वो किसको सप्लाई करता था, ट्रेडर्स को सप्लाई किया करता था। बिकम इजी व्हेन कुड रीच टू द सेल्समैन एंड ट्रेडर, उसने ये ट्रिक उसने निकाली थी कि अगर हम डायरेक्ट व्यापार करेंगे तो बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसके अंदर सेल्समैन रखें और सेल्समैन और ट्रेडर को ऐड करें, क्योंकि जिसकी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, मार्केट में ये लोग जाके हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल करेंगे और पब्लिक तक पहुंचाएंगे, और जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देना था वो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया करता था और ये उसका इंस्ट्रक्शन आगे फॉलो करते थे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक बिजनेस बहुत ईजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, जहाँ पे काम करने वाले एक से काम करने वाले दो से तीन, तीन से चार, इस तरीके से आपका काम धीरे धीरे बढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि आपका व्यापार एकदम आसान हो जाता है और आप जो चाहो वो हर अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन अपने यानी कि ट्रेडर्स को और सेल्समैन को
दे सकते हो और वही इंस्ट्रक्शन वो आगे फॉलो करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा व्यापार बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। तो वो कहीं का व्यापार करता था, चॉकलेट का व्यापार करता था, और उसने अपने सेल्समैन और ट्रेडर को इतना ज्यादा अच्छे से ट्रेन कर दिया था जिसकी वजह से वो व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चलाता था। तो ये उसकी बहुत अच्छी ट्रिक थी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए। तो आज की तारीख में भी वो, और वो इसके साथ वो क्या करता था, वहां पे बैठे बैठे अपने ऑफिस में बैठे बैठे वो हमेशा किसके कॉन्टेक्ट में रहता था, हमेशा ट्रेडर और सेल्समैन के कॉन्टेक्ट में रहता था और उनको इंस्ट्रक्शन देता था और वही इंस्ट्रक्शन वो लोग आगे फॉलो करते थे। तो आज के तारीख में पूरे 100 पीपल आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसी कारण आज कितने सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि काम में एंगेज हो, सबको काम मिला है। तो यही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की निशानी है कि बिजनेस को किस तरीके से स्मार्टली स्मार्ट वर्क करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू।